थ्री लेयर्स. ट्रेकिया इज मेनली कंपोज ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? थ्री लेयर्स. वन इज थ्री लेयर्स, मगर जो तीन लेयर्स होते हैं वो टिश्यू के होते हैं. किसके? टिश्यू के. ट्रेकिया इज कंपोज ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू जो ओपन हो जाते हैं, जो खुल जाते हैं. या ये किन के दरमियान होती है? जो हमारे पास कॉटलेजेस होती हैं. कॉटलेजेस वो रिंग शेप्ड होती हैं, क्योंकि आपको मैं दिखाता हूं थोड़ा सा स्ट्रक्चर. अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे ट्रेकिया की स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली, लेट मी शो यू. तो ये इस तरह से रिंग शेप्ड होता है, ठीक है, मगर ये कंप्लीट रिंग नहीं होती है, इनकम्प्लीट रिंग होती है. और जो रिंग्स होती हैं वो होती हैं 16 से लेकर 20 रिंग्स होती हैं. कितनी होती हैं? 16 से 20. और ये सी शेप्ड होती हैं. सी शेप्ड ये इसलिए होती हैं बिकॉज द रिंग इज नॉट कंप्लीटेड. द रिंग ऑफ द ट्रेकिया इज नॉट कंप्लीटेड, दैट इज वाई इट इज सी शेप्ड. एंड इट इज मेड अप ऑफ मेनली कॉटलेजेस. कॉटलेज इज नॉट ब्रिटल, कॉटलेज इज सॉफ्ट. द हार्ड The thing is, it will be the brittle. That means, जो ये होती है ये बोन नहीं होती है. It is made up of cartilage. तो याद रखिएगा, ये 16 से लेकर 20 cartilages की बनी हुई होती है. ये C-shaped cartilages होती है, C-shaped rings होती है. Mainly composed of what? Which type of cartilage? Hyaline cartilage. ये बनी हुई होती है किसकी? Hyaline cartilage की. Again, I am telling you, trachea जो होती है ये compose हुआ होता है तीन किस्म के टिश्यू लेयर्स मौजूद होते हैं. जो इसके अंदर जो होता है, अंदर वाले स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो इनकम्प्लीट सी शेप्ड क्या देखेंगे आप? रिंग्स को देखेंगे. वो बनी हुई होती है एक्चुअली हाइलेन कॉटलेज की, और ये 16 से लेकर 20 कॉटलेज इसमें मौजूद होती है, ठीक है. इसके बाद अगर देखा जाए कि इसमें जो ये इसमें क्या होती है, जो कॉटलेज होती है वो वन अबो द अनदर होती है. जिस तरह आपने यहां पर देखा, अगर ये कॉटलेज है फॉर एग्जाम्पल, यहां से स्टार्ट करेंगे नीचे से फ्रॉम डाउनवर्ड्स, तो यहां से एक कॉटलेज है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, कंटिन्यू अप टू 16 से 20 तक कॉटलेज होते हैं. दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर ये होती हैं, ठीक है. तो इसके बाद जो रिंग्स होती है वो इनकम्प्लीट होती है पोस्टीरियरली, मैंने आपको पहले ही बताया. इसके बाद अगर इन तीन लेयर्स ऑफ टिश्यू की बात की जाए, उनको क्लॉथी कहते हैं. क्या कहते हैं? क्लॉथी. जो तीन लेयर्स का बना हुआ होता है, उन तीन लेयर्स ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज क्लॉथी. व्हाट वी कॉल देम एज? थ्री लेयर ऑफ टिश्यूज. जो थ्री लेयर ऑफ टिश्यूज होते हैं किसके? ट्रेकिया के. उनको हम कहते हैं क्लॉथी. क्या कहते हैं? वी कॉल देम क्लॉथी. ओके. जो इसकी आउटर वाला होता है, आउटर वाला हिस्सा होता है, या आउटर वाला लेयर होता है, बाहर वाला लेयर जो होता है, आउटर लेयर कंटेन्स फिब्रस. व्हाट दे कंटेन? व्हाट दे कंटेन? फिब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू. फिब्रस भी और वो इलास्टिक टिश्यू होता है आउटर लेयर. थ्री लेयर्स आर प्रेजेंट, थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट, एंड द आउटर वन कंटेन्स फिब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू. विच टाइप ऑफ टिश्यू? फिब्रस एज वेल एज इलास्टिक टिश्यू. That means it is a thread like, and this has the tendency of elasticity, this has a tendency of flexibility. So you can also feel it if you can get the meat of any animal and you will get the windpipe. You can see, aap dekh sakte ho jo windpipe hoti hai, sheep ki laoge, kisi ko bhi laoge animal ki, to wo kya hoti hai? वो होती है आउटर वाला लेयर. अगर हम उसको चेक करेंगे, एक तो वो कॉटिलेज जो होती है वो सी शेप्ड होती है, वो कंटिन्यू नहीं होती है, इनकम्प्लीट होती है. इसके साथ साथ वो फिब्रस भी हो सकती है. ह्यूमंस में भी ऐसे ही है. मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं. ये तो फिब्रस होती है, ये दैट मीन्स अंदर से थ्रेड लाइक मटीरियल होगा, इलास्टिक होगा. दैट मीन्स क्या होगा इसमें? इसमें इलास्टिसिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी. उसके साथ साथ क्या होता है, ये फिर एनक्लोज करता है, ये बंद कर लेता है इन कॉटलेज को. जो ये सी शेप्ड कॉटलेज होते हैं ये इनको फिर एनक्लोज करता है. क्या करता है? एनक्लोज करता है. उसके बाद जो मिडल वाला लेयर होता है, दिस वाज द आउटर लेयर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज मिडल लेयर. मिडल लेयर जो होता है, सेकेंड वाला लेयर,
मिडिल लेयर जो होता है, मिडिल लेयर कंसिस्ट्स ऑफ कार्टिलेज, ये भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और इसके साथ साथ इसमें बैंड्स होते हैं स्मूथ मसल्स के, बैंड्स ऑफ स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट, बैंड्स ऑफ व्हाट, स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट, ओके। जिससे क्या होता है, जिससे ये फायदा होता है, दैट विंड राउंड वो किसके इर्द गिर्द होते हैं, ट्रेकिया के इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द होते हैं, ट्रेकिया के इर्द गिर्द, इन ए हेलिकल अरेंजमेंट, कैसा इनका अरेंजमेंट होता है, हेलिकल अरेंजमेंट। मिडिल ईयर जो होते हैं ये बने हुए होते हैं कार्टिलेज की, और इसमें बैंड होते हैं स्मूथ मसल के, जो जो ये स्मूथ मसल होती है या कार्टिलेज होते हैं ये इर्द गिर्द होते हैं, किसके इर्द गिर्द, इस ट्रेकिया के इर्द गिर्द, मगर ये हेलिकल अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं। इसके बाद इसके जो फ्री एंड्स होते हैं, क्या होते हैं, फ्री एंड्स, जो फ्री एंड्स आपको मौजूद होते हैं इसमें, फ्री एंड्स ऑफ इनकम्प्लीट जो कार्टिलेज होती हैं, वो आर कनेक्टेड बाय विच मसल, उनमें एक मसल होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेकियलिस मसल, क्या बोलते हैं, ट्रेकियलिस मसल। जो आप ये फ्री एंड्स देखते हो ना इस कार्टिलेज के, फ्री एंड्स जो यहां से आप देखते हो, तो ये कनेक्ट होती हैं किसके साथ, जो ट्रेकियलिस मसल होती हैं, क्या होती हैं, ट्रेकियलिस मसल, रिमेंबर दिस मसल, द मसल विच इज प्रेजेंट इन द ट्रेकिया इज नोन एज ट्रेकियलिस मसल। और क्या होता है कि जो लाइनिंग होती है सीलिएटेड एपिथेलियम की, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जो लाइनिंग होती है इसकी, द लाइनिंग ऑफ व्हाट, लाइनिंग ऑफ सीलिए, लाइनिंग जो होती है वो मेनली किसकी होती है, सीलिएटेड कोलामिनियर एपिथेलियम की बनी हुई होती है। लाइनिंग इज कंपोज ऑफ व्हाट, सीलिएटेड कोलामिनियर एपिथेलियम की, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होती है, उसमें होते हैं गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्या होती हैं, गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट, जो क्या सिक्रीट करती हैं, म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट, क्या होते हैं, म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट। जो लाइनिंग होती है, किसकी लाइनिंग होती है, ट्रेकिया की लाइनिंग होती है, वो कंपोज होती है सीलिएटेड कोलामिनियर एपिथेलियल एपिथीलियम की, जो जिसमें मौजूद होते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर।